अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरट 55 एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तोते को क्या नहीं खिलाना चाहिए, मतलब अनहेल्दी फूड फॉर पैरट, मतलब कि कुछ ऐसे हार्मफुल फूड है जो पैरट को, तोते को नहीं खिलाना चाहिए, जो खाने के बाद पैरट की सडन डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसी ही न्यू और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड बताने वाली हूँ जो अगर गलती से भी आपका पैरट खा लेता है तो उसकी सडन डेथ हो सकती है। तो मैंने ऐसे कुछ फूड का लिस्ट बनाई हूँ जो पैरट के लिए हार्मफुल है और आपको इसे अवॉइड करना है अपने पैरट को देने से। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है ह्यूमन फूड, कि जो हम इंसान खाते हैं, दाल चावल, दूध ब्रेड, सब्जी रोटी या फास्ट फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, जिसमें कि एक्सट्रीमली हाई लेवल सॉल्ट, ऑयल और शुगर होता है। ऑनेस्टली आपको ये सब फूड देने से अवॉइड करना है अपने पैरट को देने से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैरट हमें खाते देख वो भी मांगते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी सेम होता है, जब भी हम कुछ खाते हमारे पैरट उड़ के हमारे पास आते हैं। इवन मेरा पैरट तो मुंह से निकाल के खाने तक की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे टाइम पर उन्हें कोई और रूम में रखे या केज में रखे या उनके सामने खाइए ही मत कि वो मांगे और आपको मजबूरन देना पड़ता है, एक्चुअली देना पड़ता है, बिकॉज़ वो इतने प्यारे होते हैं कि हम मतलब उनको दिए बिना रह नहीं सकते, इसलिए उनके सामने ये सब चीज़ें ना खाएं। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, इसलिए आपका पैरट कितनी ही ज़िद करे उसे मत दे, क्योंकि ये सब चीज़ें पैरट के लिए अनहेल्दी फूड है। ये सब फूड उसके डायरेक्ट उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है। अब नंबर 2 पर आता है टमाटो। कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे अपने पैरट को टमाटो देते हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है, बिकॉज टमाटो एक एसिडिक फ्रूट है, सॉरी वेजिटेबल है। इसको खाने से भी पैरट की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब नंबर 3 पर आता है फ्रूट सीड्स, एप्पल, चेरीज, पियर। ये फ्रूट में जो सीड्स होता है जिसमें साइनाइड कंपाउंड होता है, जिसे अगर आपका पैरट खा ले तो उसकी सडन डेथ भी हो सकती है। मैक्सिमम हम एप्पल खाते हैं तो प्लीज़ उसके सामने एप्पल की बीज इधर उधर ना फेंके, क्योंकि ये सब सीड्स जो है वो जहर का काम करती है। अब नंबर 4 पे आता है पीनट्स यानी मूंगफली, क्योंकि पीनट्स में हाई क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैट होता है। कहीं अगर आपका पैरट डेली ऐसा हाई फैट कंज्यूम कर रहा है तो उसमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर जैसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पीनट पैरट के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, बट समटाइम अपने पैरट को एज ए ट्रीट वीक में 1 या 2 पीस उनको दे सकते हो। और मैंने पीनट और टमाटो के बारे में इसलिए बताई कि पीनट और टमाटो दोनों ही चीज़ें बहुत सारे लोग अपने पैरट को रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप ऐसा कर रहे होंगे तो प्लीज़ अभी से देना बंद करें। अब नंबर 5 पे आता है ओनियन एंड गार्लिक। ओनियन में सल्फर कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है और गार्लिक में एलर्जिंग केमिकल होता है जो बर्ड्स या पैरट के लिए हार्मफुल है। ओनियन एंड गार्लिक किसी भी फॉर्म में पैरट के लिए हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको खाने से पैरट की सडन डेथ भी हो सकती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अब नंबर 6 पे आता है चीज़। कई लोग अपने पैरट को चीज़ ऑफर करते हैं। चीज़ में लैक्टोज होता है और लैक्टोज पैरट के बॉडी पर, सॉरी, जो लैक्टोज होता है वो पैरट के डाइजेशन सिस्टम पर अनफंक्शनली वर्क करता है, मतलब चीज़ खाने के बाद पैरट उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसको भी आपको अवॉइड करना है अपने पैरट को देने से। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 7 पर आता है मशरूम। मशरूम खाने से पैरट को स्किन एलर्जी, हार्ट फेल, डाइजेशन प्रॉब्लम, लीवर फेल्यू हो सकता है।
तो मशरूम को भी अवॉइड करना है अपने पैरेट को देने से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 7 फूड्स मैंने आपको बताई हूँ जो पैरेट के लिए अनहेल्दी फूड है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि अभी हम अपने पैरेट को क्या खिलाएं, क्योंकि कुछ लोग 101% 85% लोग इनमें से ही कुछ चीज़ें अपने पैरेट को खिलाते होंगे। तो आप वो सोच रहे होंगे कि हाँ, अभी हम अपने पैरेट को क्या खिलाएं, कि कौन सा फूड पैरेट के लिए हेल्दी होगा। मैंने हेल्दी फूड पर भी एक अलग से वीडियो बना रखी हूँ, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप ये वीडियो वॉच करने के बाद वो वीडियो जाके देख सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो बाय बाय एवरीवन।